आँखों में सपने इस घर में आए हैं, हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। घर आँखों में सपने इस घर में आए हैं, हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। मैं घर के आंगन में कुछ सपने बोए हैं, कुछ मुरझाए कुछ पाए, कुछ पाकर खोए हैं। नए मौसम के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हमको मिलकर बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। घर आँखों में सपने हाँ इस घर में आए हैं, हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। नए मौसम के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हम तो मिलकर बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। अरे समीर इतने उतावले क्यों हो रहे हो? धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा समीर भैया, खाक ठीक हो जाएगा। मैं अब चुप नहीं रह सकता, मैं बाबूजी से बात करने वाला। समीर तुम्हारी ये बदतमीजी बात बिगाड़ सकती है। अब बिगड़ने में बाकी क्या है, बिगड़ने में बाकी क्या है बताइए मुझे। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। हाँ बाबूजी हिस्सा देने को तैयार है तो फिर देते क्यों नहीं? अगर बाबूजी देना ही चाहते हैं तो देते क्यों नहीं है? मैं मेरा हिस्सा लेकर चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, दैट्स ऑल। देखो समीर तुम अपनी जिद पर अड़े हुए हो और बाबूजी अपनी जिद पर। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए सदन भैया, जरा समझिए, मैं सिर्फ मेरा हक मांग रहा हूँ। कौन से हक की बात कर रहे हो तुम? ये दौलत तुमने नहीं कमाई है, ये एम्पायर है ना बाबूजी की मेहनत का नतीजा है। आपको दे ना दे उनकी मर्जी की बात है। अच्छा अच्छा तो मैं भी देखता हूँ बाबूजी कैसे नहीं देते। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो और बाबूजी जो देते हैं स्वीकार कर लो। कॉम्प्रोमाइज नेवर नेवर नेवर। अच्छा सुन, मैं बाबूजी को मनाने के लिए तैयार हूँ लेकिन एक शर्त पर। शर्त? हाँ कौन सी शर्त? ये अलग होने की बात तुम भूल जाओ, तुम्हें जो चाहिए मैं दिला दूंगा। आप मुझे क्या दिलाएंगे? मेरा हक कैसे छिनना मैं अच्छी तरह जानूंगा। और रही बात सेपरेशन की, वो तो होकर रहेगा। अरे समीर समीर मेरी बात। कौन है? कौन? ओ दिलीप हाथ हटाओ। धत तेरी की, अरे कभी तो पहचानने में गलती किया कर। ओ मैडम, ओ वहां कहां देख ली यहां देख यहां। अभी थोड़े ही दिनों में मैं दिल्ली चला जाऊंगा, फिर पुकारेगी ना तो भी वापस नहीं आऊंगा। हाँ दिल्ली? मगर क्यों? अपने अस्पताल का कैफे संभाल है। मगर तुम तो मना कर रहे थे ना। फिर फूफी ने समझाया तो मान गया। अच्छा क्या समझाया फूफी ने? तुझे पता है गौरी, फूफी ने कहा कैफे बना सकता हूँ जहाँ पे अस्पताल की बीमारियाँ और दवाइयों की गन्ना आए। वाह, अस्पताल में कैफे और वहाँ दवाइयों की गन्ना पहुँचे, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वही तो कमाल कर दिखाना है। तुझे पता है फूफी ने तो ये भी कहा था कि मैं एक ऐसा आलीशान कैफे बनाऊं जहाँ पे लोग मेरे कैफे में आने के लिए बीमार पड़े और हमारा अस्पताल चले। कितनी अच्छी है ना हमारी फूफी। हाँ बहुत अच्छी है। ओए तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तू क्यों उदास है? कुछ नहीं हुआ बोला ना। नहीं कुछ तो है, बता क्या हुआ। नहीं कुछ नहीं। नहीं बताएगी? ठीक है मैं जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा रुक, बोल क्या हुआ। दिलीप तुम्हारा तो सब कुछ अपने मन के मुताबिक हो गया। क्यों क्या हुआ? क्यों क्या, फूफी मेरी शादी करवाना चाहती है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, फूफी ने राजू को भावना बहन से मेरे लिए लड़कों के नाम लाने को कहा है। तो? अरे तो क्या, बिजवर और विदुर के नाम लाने को कहा है। विदुर और बिजवर क्यों? वो तो मुझे नहीं पता। तुम्हें किसने कहा? मैंने खुद सुना है। कैसे? दरवाजे की ओट में छिप कर। तुम्हें पक्का मालूम है कि ये बात तुम्हारे बारे में हो रही थी? अरे बाबा मैंने पूरी बात सुनी है। समझ में नहीं आ रहा फूफी ऐसा क्यों कर रही है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा।
दिलीप मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, सीधा शादी के लिए ना कर दो बस। बाबूजी को पता है? नहीं। अरे अब जब शादी की बात चलेगी तो बाबूजी को तो बात पता चलेगी, तो वो ऐसा थोड़ी ना कुछ होने देंगे। और वैसे भी वजू भैया है ना, मैं उनसे बात करूंगा बस। मगर फिर भी दिलीप। अरे पगली, हम ऐसे ही किसी अरे गरे के हाथ में तुझे थोड़ी ना बांधने देंगे। दिलीप क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ कि कोई कवारा लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा? नहीं तो ऐसा किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, पर तभी तो फूफी को जरूरत पड़ी है किसी बीजवर को ढूंढने के लिए। गौरी तुम अपने आप को क्यों कम महसूस करती हो? तुम में कोई खराबी नहीं है, जरूर कोई गलत फहमी हुई। अब यूं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कोई कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा, ये घर टूट जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वरना बाबूजी ये घर उनकी जान है, अगर इसका बंटवारा हो गया तो वो भी टूट जाएंगे। और वैसे भी शेखर भैया की मौत से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। पर वो दिखाते नहीं है, एक शेर दिल इंसान की क्या हालत हो गई है? कोई हालत नहीं हुई है। यूं तरस खाकर उन्हें छोटा मत बनाओ भाभी, हम लोग अभी जिंदा है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? समीर भैया क्यों घर तोड़ना चाहते हैं? भाभी एक बार आप समीर भैया से बात क्यों नहीं करती? शायद वो आपकी बात माने। अभी समीर की आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंधी है, उस तक कोई आवाज नहीं पहुंचेगी। नानावटी खानदान से अलग होकर उसका फायदा तो दूर, नुकसान ही ज्यादा होगा, इतना भी वो नहीं समझते। दरअसल ऐसे समय में उन्हें बाबूजी का साथ देना चाहिए, तो वो उल्टा उन्हें और तकलीफ दे रहे हैं। क्या क्या तकलीफें उठाई है बाबूजी ने इस घर को बनाने में और बच्चों को आगे बढ़ाने में। कैसा लगता होगा उनको, उनका हर कदम अपने बच्चों को बेहतरीन जिंदगी देने के लिए आगे बढ़ा, आज वही बच्चे उनके साथ तेरा मेरा कर रहे हैं। लेकिन क्या पारो भाभी समीर भैया को नहीं समझा सकती? नहीं, पति पत्नी के रिश्ते की पवित्रता को जो आदमी ना समझ पाया वो पत्नी की बात क्या मानेगा। पारो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो इस घर से अलग हो जाए। हाँ पारो भाभी बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन अगर समीर भैया अलग हो गए तो पारो भाभी को भी जाना ही पड़ेगा ना। मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगी। हम लोग क्यों बंटवारे के बाद की बातों के बारे में सोच रहे हैं, हमें तो ये बंटवारा रोकना है। लेकिन कैसे? समीर के साथ हम लोग बात नहीं कर सकते। समीर भैया के साथ बात नहीं कर सकते, लेकिन बाबूजी के साथ तो कर सकते हैं। बाबूजी के साथ क्या ये ठीक होगा? यही ठीक होगा, इस घर को बनाने में बाबूजी ने जी तोड़ मेहनत की है और वो ही इसे बचा सकते हैं, क्योंकि ये घर उनके सपनों का महल है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सुनो, कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसा मत कहिए। तुम जानती नहीं हो सुनो, समीर इस बार मानने वाले नहीं है, उसने तो बस ठान ही लिया है कि वो ये घर छोड़कर जाएंगे। तो हम बाबूजी को कहेंगे, वो समीर भैया को समझाएंगे। बाबूजी उनकी वजह से तो समीर घर छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा? वही होगा जो समीर चाहेंगे। मतलब आप भी ये घर छोड़कर जाओगे? क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा जरूरी नहीं है, आपके विचार से अगर ये घर छोड़कर जाना उचित नहीं है तो आप क्यों जाओगी? सोनल मैं समीर के साथ इस घर में आई थी, अगर समीर ही अपना हिस्सा लेकर ये घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो फिर मुझे क्या अधिकार है कि मैं इस घर में रहूं? क्यों, आपका अपना वजूद है और बाबूजी हर एक के वजूद का सम्मान रखते हैं। आप जब एक बार इस घर में बहू बनकर आई हो तो आपका भी इस घर में उतना ही अधिकार है जितना समीर भैया का है, और ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। अभय ने तो मुझे तलाक दे दिया था, लेकिन फिर भी बाबूजी ने मुझे। तुम ठीक कह रही हो सुना, लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा ही समीर के साथ, फिर तो ये घर टूट जाएगा भाभी। हेलो हेलो कहो सनत, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं बाबूजी, वो मैं बताता हूं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पर मुझे करनी है।
मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है। अब मैं तुम्हें ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घर में रहने के लायक भी नहीं हो तुम। कौन रहना चाहता है इस घर में बाबूजी? मैं तो वैसे भी घर छोड़कर चला जाना चाहता हूँ। तो फिर क्यों आए हो यहाँ? मेरा हक मांगने। कौन सा हक? जायदाद पर भी मेरा हक है बाबूजी। बिल्कुल नहीं। मेरी जायदाद पर जिसका मैं कहूँ उसका हक होगा। तो फिर मुझे मजबूरन कोर्ट जाना होगा। क्यों? अपने बूते पर कुछ भी कमाने की काबिलियत नहीं है तुम्हें बाबूजी? अरे हिम्मत है तो जाओ और खुद से अपना जहां बनाओ। कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि नानावटी खानदान का खून था। थूकता हूँ ऐसा खानदान पर मैं। समीर नहीं सनत, नहीं, थूकने दे से। अपनी माँ पर थूक कर ये खुद की पहचान ही तो दे रहा है। एक बार इस घर से मैं अलग हो जाऊं, बाद में ये नानावटी नाम भी मैं अलग कर दूंगा अपने नाम से। बहुत उपकार होगा तुम्हारा। वैसे भी तुम इसे मिट्टी में ही मिला देते। ठीक है तो मैं जा रहा हूं। सुने लड़के, ये संसार मैंने अपने बलबूते पर खड़ा किया है। अपनी बाप की जायदाद में से हिस्सा लेकर नहीं, समझे? और अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन यूं ही किसी ऐरे गैरे को देने के लिए कोर्ट तो क्या? कोर्ट का बाप भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मैं तो जानता ही था आप नहीं देंगे। तो फिर क्यों आया भीख मांगने के लिए मेरे पास? चलो चले जाओ मेरे सामने से। मौत की खबर सुनो ना तब चले आना, और वो भी मेरी अंतिम क्रिया के लिए नहीं। हाथ तक मत छूने देना इसे। अगर तुम्हारा नसीब अच्छा हुआ तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, और हो सकता है मेरे विल में से कुछ हिस्सा तुम्हें मिल जाए। आप मरेंगे बाबूजी? नहीं, आप ऐसे नहीं मरेंगे। आप हम सबको खत्म करके फिर मरेंगे। आप वो जहरीले सांप हैं जो अपने सपोलों को खा जाता है। शेखर भैया को तो आपने खा लिया, अब मुझे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं आप। ये मजाल मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दबाओ जा मेरी आंखों के सामने से, दबाओ जा। प्लीज 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 गेट आउट फ्रॉम हियर। कर्म फूटे थे जो मैंने ऐसी संतान को जन्म दिया। अरे सभी ने तुम्हारे बाबूजी को सांप कहा, सांप। पर सांप तो वो खुद ही है जो अपने बाप को डसने के लिए पैदा हो गया। ऐसा नहीं कहते माँ जी। ये तुम मुझसे कह रही है? उसे जाकर क्यों नहीं कहती? उसने क्या क्या नहीं कह डाला अपने बाप को। शेखर की जगह ये मर गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसे अपशब्द मुंह से मत निकालिए माँ जी। वो नादान है। मैं उससे कहूंगी कि बाबूजी से जाकर माफी मांगे। नहीं, उसे उनके सामने मत जाने देना। उसने उन्हें बहुत दुख दिए हैं, बहुत दुख दिए हैं। अब क्या उनकी जान लेने के लिए उनके पास भेजोगी माँ जी? अब और सदमा बर्दाश्त नहीं होगा उनसे, बंदा नहीं होगा। वैसे भी वो शेखर की मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, और ऊपर से समीर ने उन्हें शेखर का खूनी कह डाला, शेखर का खूनी। मां जी थोड़ा धीरे से काम लीजिए ना। नहीं नहीं पना, नहीं। उसने मेरे पति का अपमान किया है। जिसने तिल तिल करके बड़ा किया हो उसी के मुंह पर थूक दिया आज उसने। नहीं, अब उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। उसे इसी वक्त घर से बाहर निकालना। माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर समीर को समझाएंगे। उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। अभी इसी वक्त उसे घर से बाहर निकाल दो पन्ना। समीर छोड़िए, छोड़िए सनत भैया, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरी बारी आने दो, मैं बाबूजी के वो हाल करूंगा, देखना तुम। क्या बकवास करते हो? ये बकवास नहीं, ये बिल्कुल बकवास नहीं है, बिल्कुल सच है। ये मेरी गलती थी जो बाबूजी के सामने सच बोलने की हिम्मत की। क्या है तुम्हारा सच? क्या है? क्या मेरा तुम्हारा कुछ नहीं होता, सच सच ही होता है, और बाबूजी झूठे हैं। बिहेव योरसेल्फ। व्हाई शुड आई बिहेव मायसेल्फ? टेल मी व्हाई। मैं 100 बार कहूंगा बाबूजी झूठे हैं, चालबाज हैं, मेरा सच सुन नहीं पाए, लेकिन मैं अब चुप रहने वाला नहीं हूँ। अरे समीर, बाबूजी को साफ कहने से पहले एक पल भी नहीं सोचा तुमने? जब से कह दिया बाबूजी आप तो बच्चों को खा जाने वाले सांप हैं। क्यों ना कहूँ, सच तो है। बाहर में गया तुम्हारा सच। अपना सच अपने पास रखो, और अब एक भी बार सच का राग आलापना शुरू किया बहुत बुरा होगा बेवकूफ। ये मेरा साथी मामला है सनत भैया, आप इंटरफेयर मत कीजिए प्लीज। इस घर की कोई भी समस्या किसी एक की जाति समस्या नहीं होती। अभय को कौन इस घर में वापस लाया? बाबूजी। और अभय को घर से निकाला किसने? बाबूजी ने। नहीं, अभय अपनी मर्जी से एक घर छोड़कर गया था। तो मैं भी अपनी मर्जी से घर छोड़ना चाहता था, तब मुझे क्यों रोका गया? और अब मुझे क्यों निकाला जा रहा है? सिर्फ बाबूजी अपनी मनमानी कर सके इसलिए?
देखो समीर, अपने आप को बाबूजी की जगह रखकर ये सोचो कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा स्वार्थी व्यवहार करता तुम क्या करते। अब कोई राजा ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी हुकूमत को कोई चैलेंज करे। राजा राजा बाबूजी, वाह वाह, तो अब मैं भी उनकी जगह लेकर दिखाऊंगा। देखिए आपने मुझे स्वार्थी कहा ना सनत भैया, तो आप मेरी देखिए स्वार्थ बुद्धि, मैं कैसे अपने आप को बाबूजी की जगह पहुंचाता हूं। हम सबके होते हुए इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? बात ही ऐसी है, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ रश्मि। मैंने भी अपना बेटा खोया है। अपनों के खो जाने का अनुभव बड़ा ही दुखदायी होता है। दरअसल बात यह है कि मैं शेखर के चले जाने से दुनिया तो खत्म नहीं हो गई। तुम अपने बेटे के बारे में सोचो, उसके भविष्य के बारे में सोचो। इस वक्त मेरी चिंता की वजह कुछ और ही है, पर आपने सच कहा। आप सबके होते हुए और खास तौर पर बाबूजी के होते हुए मुझे मेरे और मेरे बेटे के भविष्य की चिंता नहीं है। तो फिर इतनी गहरी सोच क्या बात है रश्मि? समीर भैया और बाबूजी के बीच में जो जंग चल रही है वो परिवार के हित में नहीं है भाभी। लेकिन तुम उसकी चिंता क्यों करती हो? बाबूजी है ना, सब संभाल लेंगे। और फिर समीर इसी लायक है। नहीं, किसी भी इंसान को एक मौका तो देना ही चाहिए। तुम्हें महाभारत की वो कथा याद है? शिशुपाल के 100 गुना माफ किए थे श्री कृष्ण भगवान ने, पर आखिर में क्या हुआ? सुदर्शन चक्र छोड़ना ही पड़ा था शिशुपाल पर। मैं नहीं मानती कि बाबूजी को ऐसा करना चाहिए। वो खुद परिवार की भलाई और एकता की बातें करते हैं और खुद ही अपने बेटे को घर से निकाल रहे हैं। ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा रश्मि। मेरा मतलब है, अभय भी तो घर छोड़कर चला गया था। वो बात और थी, उन्हें घर छोड़कर जाने से नहीं रोका गया, उसमें गलती घर की औरतों की थी। अगर हम सब ने बाबूजी को समझाया होता तो वो सब कुछ नहीं होता। मगर बाबूजी समीर पर राग बबूला है, इतनी बेवकूफियां की है उसने, इतनी गलतियां की है कि, और ऊपर से अपनी गलतियों को मानने से इनकार भी कर रहा है वो। पहले पारो भाभी समीर भैया को उकसाती थी, लेकिन अब वो सुधर गई है, घर छोड़कर जाना भी नहीं चाहती, तो फिर समीर भैया क्यों? हम यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। हमें बाबूजी को समझाना होगा, अपनी जीत छोड़ने के लिए मनाना होगा। हमारे कहने से बाबूजी मान जाएंगे? क्यों नहीं, शायद मेरी बात न माने, लेकिन आपकी बात टाल नहीं सकते। पगली, मेरी बात क्यों कर मानेंगे? क्योंकि आपने आज तक बाबूजी के पास कुछ नहीं मांगा। ठीक है, चलो अभी बात करके देखते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो क्या, अगर ये लड़का फिर से मेरी आंखों के सामने आया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। जाने भी दो, बच्चों से गलती हो जाती है। हाँ हाँ, बच्चों से गलती होती है, 35-35 साल के गधों से नहीं। अब बस करो और गुस्सा मत कर। अरे चंदू भाई, गुस्सा तो इतना आ रहा है कि मैं गुस्से से कांप रहा हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने उसे बाहर क्यों नहीं डाला। चुप रहो, एक बेटे की मौत का गम तो सह ही रहे हो और दूसरे बेटे को मारने की बात कर रहे हो। शेखर की मौत का गम मुझे जिंदगी भर रहेगा, लेकिन ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। जानते हो चंदू भाई इसने क्या कहा कि शेखर का खून मैंने किया है, मैं एक ऐसा सांप हूं जो अपने बच्चों को खा जाता है। मैं चंदू भाई, आप एक एग्रीमेंट तैयार कराओ, उसकी साइन लो और इसी वक्त उसे घर से बाहर निकाल दो, बस फौरन। पुरुषोत्तम, जरा शांति से सोचो, इस वक्त ऐसा कदम उठाना बहुत खतरनाक साबित होगा। अरे इससे खतरनाक बात और क्या हो सकती है चंदू भाई, क्या हो सकती है? पुरुषोत्तम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ऐसे वक्त पर समीर को घर से बाहर निकालना मौत के मुंह में धकेलना बराबर होगा। मैं उसे घर से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, वो खुद जाना चाहता है, और उसे जाना हो तो चाहे, मरना हो तो मैं तो कसम खाता हूँ कि अपने इस बेटे की मौत पर मैं एक आंसू का कतरा तक नहीं बहाऊंगा। एक महल हो सपनों का,